जिन्हें पूरी दुनिया में शांति का पुजारी माना जाता है, उनकी जयंती के ही दिन देवरिया में एक ऐसा खूनी खेल खेला गया कि पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। देवरिया में हमलावरों ने एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। सनसनीखेज हत्याकांड से रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में मातम पसर गया। हमलावर लाठी डंडों, बंदूक और हथियारों से लैस थे। उन्होंने सोमवार की सुबह सत्य प्रकाश नाम के शख्स के घर पर धावा बोला और परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। मरने वालों में ज्यादातर सत्य प्रकाश के परिवार से जुड़े लोग शामिल हैं। देवरिया में हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने प्रदेश की सियासत में भी उबाल ला दिया, जहां एक ओर सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया तो दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को ही आड़े हाथों ले लिया। अखिलेश ने तो सीएम की संवेदना पर तंज भी कसा और कहा, काश मुख्यमंत्री के दुख प्रकट करने से लोगों की जिंदगी वापस आ जाती। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सपा सुप्रीमो ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने लिखा कि देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही या संलिप्तता की वजह से घटित हुई। काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ जाता। अखिलेश यादव ने मामले की जांच की मांग भी की। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि एक उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की परत उतारकर न्याय कर सकती है। ये जांच तत्काल हो। बता दें कि इस घटना के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए। सीएम के आदेश के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार हेलीकॉप्टर से देवरिया पहुंचे और ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सत्य प्रकाश दुबे के परिवार का पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के परिवार से जमीन का झगड़ा चल रहा था। सोमवार को दोबारा दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की भी मौत हो गई है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और मुख्यमंत्री योगी भी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से पल पल की जानकारी ले रहे हैं।